इसमें कोई विकल्प नहीं, कोई रास्ता नहीं है, संकल्प को पूरा होना है। यानी कि संकल्प सिद्धि तक पहुंचेगा, वो तभी पहुंचेगा जो हमने संकल्प ले लिया, उसमें चाहे कितना भी कठिन कोई रास्ता क्यों ना हो, कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें ना हमें रुकना है, न ठहरना है, न पीछे होना है, एक गति से चलते जाना है, चलते जाना है। बहुत अच्छा रास्ता मिले तो तेज चलना है, बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता मिले, कांटे मिले, कहीं पर बैरियर मिले तो बैरियर को क्रॉस करना है, इधर से जाना है, उधर से जाना है, कांटे रास्ते में पड़े हैं तो कांटों को उठा के किनारे रख देना है, तो हमको अपनी मंजिल वहां मिल जाएगी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोग, आप में से अधिकांश जो लोग यहां पर आप लोग आए हैं, आप सब लीडर हैं। आप लोग हमारी जो बहने हैं, हमारी जो मातृशक्ति है, उनको आप दिशा देने का काम करती हैं, उनके अंदर एक ऊर्जा भरने का काम करती हैं। तो इसलिए उनको कहना है कि हम इस क्षेत्र में भी उत्तराखंड को मॉडल बनाएंगे। उत्तराखंड का कोई सामान कहीं जाए, अब आने वाले समय में हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना में हमने सभी ब्लॉकों में सभी जगह पर उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, एक उनके लिए केंद्र बना दिया कि वो अपना बनाया हुआ सामान बेच सकती हैं, उनको बाजार उपलब्ध हो जाएगा, अच्छी मार्केट मिलेगी, अच्छा उसका रेट मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ का बना हुआ सामान पूरी दुनिया में जाए, लोग कहें कि उत्तराखंड मॉडल है, उत्तराखंड का ब्रांड है, तो उसको देखते ही लोगों के मन में आ जाए कि इसकी तो अच्छी पैकिंग हुई होगी, इसकी तो गुणवत्ता यानी क्वालिटी बहुत अच्छी हुई होगी। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो इस क्षेत्र में भी, जैसे आज हम हर क्षेत्र में धीरे धीरे मॉडल बनते जा रहे हैं। इस बार अभी दीप्ति जी राजपथ और कर्तव्य पथ बता रही थी, तो इस बार कर्तव्य पथ की पहली परेड थी 26 जनवरी को, और 26 जनवरी की कर्तव्य परेड पर हमारे उत्तराखंड की जो झांकी थी, मानसखंड की झांकी, उस झांकी को पहला स्थान मिला था देश में, हमारी राज्य स्थान। ऐसे अभी बहुत सारे सेक्टर हैं, अभी हिमालय राज्यों में हम लोग पहले स्थान पर आए हैं, विकास सूचकांक में हम पहले नंबर पर आए हैं, देश में हमारा पहले 18वें नंबर पर स्थान होता था, हम अब 9वें स्थान पर आ गए हैं, धीरे धीरे अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी आज हमारे उत्तराखंड के अंदर भी एक ऐसा माहौल बना है कि अब हम किसी भी क्षेत्र में, हम भारत के अग्रणी राज्यों की सूची में आ सकते हैं, अग्रणी स्थान हम प्राप्त कर सकते हैं। अब खेल के क्षेत्र में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एक से एक प्रतिभाएं हैं, वो प्रतिभाएं जो है वहां भी अपना प्रदर्शन करें। तो ये सब तब आया है जब देश के अंदर ऐसी लीडरशिप है जिसने आज हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों अनेक कार्य किए हैं। अगर आप आज देखिए, आज प्रधानमंत्री आवास योजना जो चली है, उस प्रधानमंत्री आवास योजना में 2014 से पहले केवल और केवल 8 लाख मकान बने, और वो भी कहीं शौचालय कहीं अलग बन रहा है, किचन कहीं अलग बन रहा है, है किसी का दरवाजा टूट रहा है, कोई क्वालिटी नहीं। और 2014 से लेकर 2023 तक इन 9 सालों में लगभग 4 करोड़ मकान बन गए, एक साथ जो है उनको किचन भी दिया जा रहा है, शौचालय भी दिया जा रहा है, अंदर ही सारी व्यवस्थाएं हैं। और हमने तो यहां से जोड़ा, हमने कहा प्रधानमंत्री जी हमको डबल इंजन है ना, डबल इंजन में तो हम क्या कर सकते हैं, तो यही इसी में कार्यक्रम हो रहा था। और मैंने ये मुझे जिम्मेदारी मिले हुए कुछ ही दिन हुए थे, 1.5 महीने का समय हुआ होगा, तो मैंने बैठे बैठे सोचा कि अब हम क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी ने तो इनको आवास दे दिया, तो लोग ये तो कहें कि हमने भी कुछ दिया है, यहाँ से हमने भी कुछ मदद करी है। तो हमने कहा जिस दिन हम चाबी देंगे उनको जो है हम 5,000 रुपए बर्तन के लिए देंगे अपनी तरफ से, अब वो भी थोड़ा कम पड़ रहे हैं। तो अब हमने कहा है कि अब नए वाले जो मकान हम देंगे, अभी तक हम अर्बन वालों को दे रहे थे, अब जो है ग्रामीण वालों को जब देंगे तो हम 7,000 रुपए देंगे, 7,000। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि कोई सामान्य घटना नहीं है, पहले के समय में हमारी माताएं बहने हों, मतलब बहुत साल नहीं बीते, अगर किसी को शौच आ जाती थी, कोई पेट में दर्द हो गया, कोई बुखार आ गया, पेचिस लग गई,
तो अपना पेट ही दबा के रखते थे कि कब शाम होगी कब जाके समाप्त करेंगे। जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में अपना जीवन दिया होगा उन्होंने देखा होगा कितना मुश्किल होता था, बीमारी पर बीमारी लग जाती थी। लेकिन आज करोड़ों करोड़ जो है देश के अंदर इज्जत घर बना दिए गए। प्रधानमंत्री जी जब वहां लाल किले से बोल रहे थे कि हम स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर में शौचालय बनाएंगे, घर घर में इज्जत घर बनाएंगे, तो कुछ लोग वहां से टिप्पणी कर रहे थे, जो लोग केवल जो है जिन्होंने देश के अंदर 55 सालों तक 60 सालों तक जिन्होंने शासन किया है, वो कहते प्रधानमंत्री जी लाल किले से ऐसी बात कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जब नियत और नीति दोनों स्पष्ट हो और कुछ करने की मन में इच्छा हो और संकल्प हो जिसमें विकल्प न हो, तो साक्षात रूप से आज घर घर शौचालय बन गए, कितना आसान काम हो गया। तो ऐसे अनेकों काम करें। अभी ये जो कोरोना महामारी आई, इस महामारी में लोगों के नौकरी छूट गई, किसी का व्यापार बंद हो गया, छोटे छोटे ठेले जोले चलाने वाले लोग थे परेशानी में पड़ गए, हर किसी को राशन दिया जा रहा है और अभी तक दिया जा रहा है। 2020 से शुरू हुआ, मार्च से 20 में चला, 21 में चला, 22 में चला, 23 में, अब पूरे साल तक के लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको बढ़ा दिया है। यानी कि मातृशक्ति हर क्षेत्र में आ गया है। और अभी पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री जी वहां बद्रीनाथ जी आए थे, तो एक तो मैं पहली बात भी बताऊं कि उनके सामने हमने प्रस्ताव रखा, मैंने प्रस्ताव रखा, मैंने अपने वहां से जब मैं बोल रहा था तो मैंने कहा साहब सब लोग कहते हैं कि ये माणा गांव भारत का अंतिम गांव है, मुझे लगता है कि भारत यहां से शुरू होता है इसलिए भारत का पहला गांव है। तो आज पूरे देश के अंदर जितने भी हमारे सीमांत के गांव हैं वो सारे गांव माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहला गांव कर दिया। और माणा गांव का भी आप लोग देख रहे होंगे कि भारत का प्रथम गांव लिखा हुआ है। और उसी कार्यक्रम में उन्होंने मंच से एक अपील करी पूरे देशवासियों कि हमारी माताएं बहनें, हमारे कामगार लोग, छोटे उद्यमी जो स्थानीय उत्पाद बनाते हैं, उन स्थानीय उत्पादों का उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए, अधिक से अधिक विपणन होना चाहिए, लोगों को उसको खरीदना चाहिए। उन्होंने देश दुनिया के लोगों से आह्वान किया कि जो भी लोग अपनी यात्रा में आते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि अपनी कुल जो धनराशि खर्च करने वाले हैं उस धनराशि में से 5% धनराशि इन बहनों के द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं, उन उत्पादों को अवश्य खरीदें। हम लोगों को भी कहीं ना कहीं इस बात का प्रोत्साहन करना चाहिए कि हम जो है इन उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे कि उनको उनका प्रोत्साहन होगा। घर में पहले से भी अगर चीज रखी है तो उसको कहीं गिफ्ट कर दीजिए, आगे दे दीजिए, लेकिन जरूर खरीदिए। और ये बातें हम लोगों को इसलिए कि आज हम इस पर्व पर इकट्ठे हुए हैं, तो पर्व तो हम मनाएंगे ही मनाएंगे, खुशहाली आएगी, पर्व आएगा, हम लोग मिलेंगे, जुलेंगे, बैठेंगे, आपस में बात करेंगे। तो ये मेले, ये उत्सव, ये हमारे त्योहार, ये होते इसलिए थे कि हम आपस में मिलते थे। और पहले के समय में ये साधन नहीं होते थे, ये टेलीविजन नहीं होते थे, ऐसे मोबाइल नहीं होते थे, फोन नहीं होते थे, तो लोग ऐसे ही मेलों में मिलते थे, उत्सव में मिलते थे, या ऐसे तीज त्योहारों के अवसर पर मिलते थे, एक दूसरे से अपनी बातें करते थे और उनके अंदर ऊर्जा भी आती थी। फिर साल भर काम करते थे, साल भर अपने अपने क्षेत्र में लगे रहते थे, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं। तो इस अवसर पर जहां हम इस प्रकार से मिलते हैं, वहीं हमको कहीं ना कहीं किसी रूप में आगे के लिए भी कि हम अपना योगदान, जहां परिवार में आप लोग अपना योगदान देते हैं, परिवार में तो आपका योगदान है ही है, घर चलाने का काम कोई करता है तो एक मातृशक्ति ही घर चलाती है, और एक घर से दूसरे घर में जाकर एक दो घरों को जोड़ने का काम, अपने पहले घर को जहाँ पैदा हुई है उस घर की भी चिंता अगर सबसे ज्यादा कोई करता है तो वो बेटियां ही करती हैं, मातृशक्ति ही करती है। दूसरे घर को चलाने का काम भी नए घर में जाकर वो भी उसके माध्यम से होता है। तो यह भी हम लोगों को देखना चाहिए कि हम लोग
घर परिवार के अलावा जो हम सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वहां हमारा योगदान किस प्रकार से और अच्छा हो सकता है। तो ये सब कुछ बातें मेरे जो ध्यान में आई, मैंने सोचा कि आपके समक्ष इन बातों को रखूं। और प्रदेश के अंदर हम लगातार काम कर रहे हैं, हमने जितने हमारे स्वयं सहायता समूह है हमारी बहनों के, उनको बिना ब्याज के ऋण देने की हमने व्यवस्था करी है, 5 लाख रुपए तक का ऋण दे रहे हैं। और महामारी के दौरान बहुत सारे हमारे समूह थे, उन सभी समूहों को हमने ग्राम्य विकास विभाग NLRM के जो चलते थे 118 करोड़ रुपए का हमने जो है उसमें पैकेज दिया था। बहुत सारे लोग अपना सामान उस समय नहीं बेच पाए और सामान बनाया लेकिन कोई ग्राहक नहीं आए क्योंकि महामारी आ गई, तो उन सभी का वो अपने पैरों पर खड़े रहे, उसकी व्यवस्था की है। आज हवालबाग क्षेत्र में अल्मोड़ा में बहुत अच्छा इंटरनेट सेंटर चल रहा है, एक हमारा कोटद्वार में चल रहा है, अभी मैं वहां भी जाकर देखने वाला हूँ एक दिन की वो कैसा चल रहा है, हवालबाग में हो आया था। तो उस सेंटर ने 2021 में जब मैं गया था तो जो हमारी बहने हैं जो काम करती हैं उन्होंने 6 करोड़ रुपए का लोन लिया था उस साल, मतलब उस सेंटर में काम करने वालों ने, जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, इनक्यूबेटर से जिन लोगों ने प्रशिक्षण लिया है। लेकिन मैं 2022 में गया तो जानते हैं कितना हो गया, 20 करोड़ से ज्यादा हो गया वो लोन, माने कि 3 गुना बढ़ गया। और मैं अल्मोड़ा आया, रात को मैं रुका, सवेरे जो है एक पुस्तकालय का उद्घाटन करना था तो मैं हिलांस के एक स्टोर में गया, तो स्टोर पहले था उसके नीचे पुस्तकालय था, तो एक बहन आई और मेरे को हाथ पकड़ के कहने लगी कि अंदर चलो अंदर चलो देखो। तो मैंने कहा चलो अंदर चलता हूँ, देखा मैंने अंदर, जैसे अंदर गया तो वो मुझे दिखाने के लिए नहीं बुला रही थी, मेरे लिए उन्होंने एक गिफ्ट बना रखा था बड़ा सा, एक टोकरी थी बड़ी सी, तो उन्होंने मुझे टोकरी दी। तो मैंने उनको कहा कि अरे इतना सारा गिफ्ट आप मुझे दे दे रही हैं, कैसे क्या होगा, आप कितना कमाती हैं, ऐसे पूछा मैंने कितना कमाती हैं। तो बोली इस साल हमारे इस पूरे समूह ने 27 लाख रुपए की कमाई करी एक साल। तो इस प्रकार से आज हर क्षेत्र में हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं, हम नीति बना रहे हैं, हमने जो है उत्तराखंड के अंदर हमारे यहाँ बहुत जो कठिन भौगोलिक स्थिति है उसके लिए बीच में अड़चन आई, इसलिए हम विधेयक लेकर आए और हमने जो है 30% का जो आरक्षण है तो 30% का आरक्षण सरकारी सभी सेवाओं में कर दिया हमारी मातृशक्ति के लिए। तीन सिलेंडर हम इस समय दे रहे हैं। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर 1,81,000 परिवारों में साल के अंदर 3 सिलेंडर मुफ्त भरकर देने की योजना लाने वाला प्रदेश उत्तराखंड पहला प्रदेश है। मैं तो आप सबसे ये भी अनुरोध करूंगा, आशा नहीं कि पहले भी आप लोगों से मैंने कहा है, क्योंकि आप इसका जो कार्यक्रम होगा तो सरकारी स्तर पर हमारी बहनें जिस दिन वो सिलेंडर हमारे दिए जा रहे हों, ऊपर दुकानों से बढ़ते हों, वो जो हमारे राशन के डीलर हैं, स्ट्रीट डीलर हैं, वो ऐसी व्यवस्था जरूर हो कि हमारी महिला मोर्चा की बहनें भी वहां पर हों। कोई ना कोई जो है इस प्रकार का एक मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए कि सभी को पता लगना चाहिए कि जो है ये कोऑर्डिनेशन करके कि ये योजना हमारी सरकार इसमें लेकर आई है। और अभी मैं हमारी बहुत सारी मुस्लिम बहनें आज सवेरे अभी आई थी वहां पर रक्षाबंधन के लिए और उधर भी बैठी हुई हैं, उधर से कुछ चली भी गई होंगी। अभी समान नागरिक संहिता का जो हम देश के अंदर पहला राज्य हमारा है जहां पर हम इसको लागू करने के लिए बहुत आगे बढ़ गए, मतलब बिल्कुल हमारा सब कंप्लीट हो गया है। इसके लागू होने से भी सबसे ज्यादा लाभ किसी को होने वाला है तो मातृशक्ति को होने वाला है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये कानून हम ला रहे हैं। बहुत सारी जो अड़चने हैं, बहुत सारी जगह पर जो है उनको उत्तराधिकार नहीं मिलता, बहुत सारी जगह पर उनका जो कई बार वीडो हो जाती है तो वीडो होने के बाद उनको जो है आगे के जीवन के भरण पोषण के लिए जो है जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। समान नागरिक संहिता में ये सब व्यवस्थाएं की है। इसके साथ साथ अभी हमने जो हमारे पंजाबी समुदाय के लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, वो विदेशों में जाते थे पहले तो उनको जो है
वो वीजा लेने में बड़ी दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि उनका जो विवाह था मैरिज एक्ट वो था नहीं उसमें, वो हिंदू तरीके से फिर उनको अपना वो करवाना पड़ता था। इसलिए हम इसमें आनंद मैरिज एक्ट, आनंद कारक एक्ट जो है इस बार हम वो लेकर आए हैं। उत्तराखंड के अंदर आप लोग देखते होंगे कि हमने अतिक्रमण हटाने का भी अभियान लिया। अतिक्रमण कौन सा अतिक्रमण? वो जो जंगलों में जगह जगह पर ऐसी जमीन घेर रखी है, कहीं कुछ कर रखा है, कहीं कर रखा है, नीचे कुछ नहीं है, खाली जो है ऊपर से ढांचा बना दिया, खड़ा कर दिया, या किसी ने नालों के ऊपर जो है कुछ बना दिया, कहीं पर नाले बंद होने से आज बाढ़ आ रही है, बाढ़ आई इतनी जगह पर जो है रास्ते बदल जा रहे हैं, नालों के, नदियों के, बरसाती गधेरों के, सब बदल जा रहे हैं। हमने कहा इसको हटाएंगे। हमने ये नहीं कहा कि कभी की जो गरीब लोग हैं, जो 50 सालों से बसे हुए हैं, 100 सालों से बसा उठे हैं, अपना छोटा मोटा रोजगार करते हैं, हम उनको नहीं हटा रहे हैं। उनको उनको तो हमें रेगुलराइज करना है, उनको तो पक्का करना है कि वो आगे चलकर जो है उनके लिए अच्छी उनकी व्यवस्था हो जाए, उनका रोजगार का साधन खड़ा हो जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेली वालों को, ठेली वालों को, रेहड़ी वालों को, पेड़ी वालों को, सबको जो है उन्होंने स्वनिधि योजना के तहत पहले 10,000 रुपए का ऋण दिया, 10,000 जो उन्होंने पूरा कर दिया 20,000, और जो 20,000 का जो है वापस चुका लेते हैं उनको 50,000 की व्यवस्था कर रही है। एक तरफ हम सभी को जो है उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कई जगह पर संदेह भी इस प्रकार का पैदा हो, तो इसको भी हमारी बहनों के द्वारा दूर किया जाना है। इसी प्रकार से हम धर्मांतरण का उत्तराखंड के अंदर कानून लेकर आए, और धर्मांतरण का कानून भी हम इसलिए लेकर आए कि हमारी जो बहन बेटियां हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा था जगह जगह, कोई किसी तरीके से, कोई अलग तरीके से झूठ बोलकर उनके साथ धोखा करके, किसी प्रकार से प्रलोभन में डालकर अपनी असली पहचान छुपाकर उनको अपने उसमें लगातार करते रहे। तो इसलिए हम धर्मांतरण का भी कानून लाए, और धर्मांतरण के साथ साथ जो इस प्रकार के मामले हैं, धोखाधड़ी वाले मामले, हमने कहा वो उत्तराखंड के अंदर किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। किसी कीमत पर हम अपनी बहन बेटियों के साथ ये धोखा नहीं होने देंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, और सरकार ने ऐसे जितने भी मामले आए हैं उन सभी मामलों पर कार्रवाई की है। तो ऐसे सारे प्रकरण, और उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है, पूरे देश दुनिया में आप कहीं जाते हो तो लोग कहते होंगे देवभूमि से आए हैं, देवभूमि लोगों की श्रद्धा है, यहां से आस्था है। जिधर देखिए आप, जिस तरफ को चले जाएंगे आपको मंदिर दिखाई देंगे, जिधर को आपकी नजर चली जाएगी उधर आपको कोई ना कोई देवस्थान दिखाई देगा। और डेस्टिनेशन की बात करते हैं मेरे से कभी कि डेस्टिनेशन कितने, मुझे किसी ने पूछा अभी एक में टीवी इंटरव्यू में गया था, मैंने कहा उत्तराखंड के अंदर आप जिधर आपकी नजर चली जाएगी वही नया डेस्टिनेशन है। फिल्म फेयर वालों ने मुझे बुलाया कि आपके यहाँ पर कितने डेस्टिनेशन है जहां फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं, मैंने कहा आप जिधर जाएंगे आपको लगेगा कि यहीं पर आपकी शूटिंग हो जाएगी, ऐसा दूसरा कोई राज्य नहीं। लेकिन इसका मूल स्वरूप जो इसकी पहचान है, वो पहचान हमारी बनी रहे, वो पहचान को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। यहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी हो, यहाँ हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हों, वहां सशक्तिकरण हो, उसके लिए हम बिल्कुल शुद्ध मन से, शुद्ध अंतकरण से लगातार काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग बीच बीच में किसी न किसी कारण से करते रहते हैं, विघ्न संतोषी लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, जो केवल विरोध के लिए विरोध की राजनीति करते हैं, वह भी मानते हैं अंदर से कि नहीं सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्या करेंगे, विरोध में है, विपक्ष में है, तो वो सामने नहीं बोल सकते, पीछे से मानते हैं, कहते हैं नहीं अच्छा काम हो रहा है। अब कोई नहीं कर सकता। आप देख रहे होंगे भ्रष्टाचार को लेकर अभी लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, जो भी जो है इसमें गलत पाया जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये किसी के लिए न किसी आदमी को टारगेट किया जा रहा है, न किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर एक नई संस्कृति, प्रदेश के अंदर एक नया कार्य व्यवहार,
कि हमारा प्रदेश देवभूमि है, देवभूमि साफ होनी चाहिए, देवभूमि पारदर्शी तरीके से चलनी चाहिए, देवभूमि भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए, देवभूमि में एक ऐसा कल्चर होना चाहिए जिसमें स्वतः ही सब काम होने लगे। हम नकल का अध्यादेश लेकर आए, मैं अपनी बहनों का आप सबका धन्यवाद करता हूँ आज के अवसर पर कि आप लोगों ने उसमें जाकर लोगों को बताने का काम किया। उस समय में लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन आज उसके कितने सुखद परिणाम है कि एक एक बेटा एक एक बेटी बहुत सारे ऐसे प्रदेश के अंदर है जो एक परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं, एक परीक्षा में, दो परीक्षा में, तीन परीक्षाओं में और चार चार परीक्षाओं में एक साथ पास हो रहे हैं। और बहुत सारे माँ बाप मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि आपको हम बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, सरकार का आपका, आप ये कानून लेकर आए इसके कारण से हमारे बच्चे जो कभी नहीं निकलते थे वो अब निकल रहे हैं। मैंने तब नहीं सोचा था कि जो है इसका इतना व्यापक असर होगा। यही विजय खंडूरी है जो मुझे चिरंगा चला रहे हैं, इनके दो भतीजे निकल गए। ये भी मुझे एक दिन कह रहे थे कि साहब जो है मेरे जो है दो भतीजे निकल गए। अभी मैं खटीमा गया था पिछले दिन, वहां हमारे कांग्रेस पार्टी के एक नेता है सर्वेश पाठक जी। सर्वेश पाठक जी मुझे, मैं सोचा कि किसी काम से आए होंगे, मिलने के लिए बैठे थे ऐसे बहुत 100-150-200 लोग बैठे हुए थे। तो मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा अरे मैं छोटा था तब, मैं पढ़ता था कक्षा 9 में 10 में, तो सर्वेश पाठक जी पॉलीप्लेक्स यूनियन के बहुत बड़े नेता होते थे इंटर के, कांग्रेस पार्टी के हैं वो इंटर। तो उनकी बहुत जल्दी थी क्योंकि जब हम छोटे थे तो उस समय में तो एक ही पार्टी देश के अंदर होती थी, कांग्रेस पार्टी। तो हमने उनका वो जमाना देखा, जगवा देखा। तो मैंने कहा अरे सर्वेश भैया कैसे आए आप? वो खड़े हो गए, बोले रुके रुके रुके, बोले मैं आज आपका धन्यवाद करने आया हूँ। आपकी भतीजी कई सालों से एग्जाम देती थी, कहीं नंबर नहीं आता था, आप ये नकल वाला कानून लाए और इस बेटी ने मत्स्य विभाग का कोई एग्जाम दिया और उस एग्जाम में ये अब जो है पास हो गई, इसका नंबर। तो आत्मसंतोष होता है जब मैं देखता हूं कि ऐसे बेटे बेटियां जो अपनी मेहनत कर रहे हैं। और पहले क्या था, पहले इस कानून के आने से पहले लोग मेहनत करते रहते थे, पढ़ते रहते थे, नंबर ही नहीं आता था, सालों साल तैयारी कर रहे हैं नंबर नहीं आ रहा है। अब ये भी हमने कैसे लिया देखिए निर्णय, कितना कठिन था पहले हमने इस पर निर्णय लेना, सारी परीक्षाएं कैंसिल करनी पड़ी, सारी परीक्षाएं हमको जो है UK SSSC से कैबिनेट में फैसला करके वहां UPSC को भेजनी पड़ी, चार चार पांच पांच छह छह परीक्षाएं, आठ आठ परीक्षाएं, उनका कैलेंडर जारी किया, इधर परीक्षा रद्द करी, उधर परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया, 80 लोगों को इसमें जेल के अंदर जाना था, जेल में गए हो जो लोग इसके दोषी पाए गए, इतने से भी काम नहीं चला। तो हमने कहा कि हम हिंदुस्तान का सबसे कड़ा नकल का कानून लाएंगे, और सबसे कड़ा कानून आज हम लाए हैं, 10 साल तक की सजा का हमने इसमें प्रावधान कर दिया है। और जो पकड़ा जाएगा, जो माफिया होगा, उसकी सारी संपत्ति हम इसमें जो है जब्त करने का भी हमने प्रावधान कर दिया। और जो बच्चे नकल के उसमें होंगे, पहली बार अगर पकड़े जाएंगे तो 3 साल तक इस परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे, अगली बार पकड़े जाएंगे तो 7 सालों तक फिर किसी परीक्षा में भाग नहीं लेंगे। परोक्ष या प्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से जो भी नकल करवाने वाले होंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया। उसका परिणाम ये हुआ है कि आप जो ऐसे माता पिता जो गरीबी में अपना जीवन जीते हैं, यहां पर मैंने बहुत लोगों को देखा है अपने बेटी को बेटे को पढ़ाने के लिए छोटी सी दुकान चलाते हैं, कोई सब्जी बेचता है, कोई दूध बेचता है, कोई घी बनाकर बेचता है, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि वो अपना जमीन, अपनी जेवर, अपनी जायदाद ये भी गिरवी रख देते हैं तब जाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर इन बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा, आप खुद सोचिए कि उन माता पिता के पास जो अपना सब कुछ लगाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, वो बच्चे भी मेहनत करते हैं, उनका ही उनके साथ ही धोखा हो जाएगा, उनके साथ लूट हो जाएगी, डकैती हो जाएगी, तो क्या बचेगा उनके पास? कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि दिल पर हमने भी जो है दिल को मजबूत किया आप सब लोगों की शक्ति के कारण से, और हमने इस पर जहां कार्रवाई करी वहीं हम कानून भी लेकर आए।
और आप सब लोग साथ में थे, इसलिए उस समय सरकार को बदनामी नहीं सहनी पड़ी, बदनामी नहीं हुई, अन्यथा पूरा कुचक्र चला। एक एक बड़े बड़े माफिया जो इस क्षेत्र में काम करते थे, नकल माफिया, बड़े बड़े नकल माफिया इसमें एक्टिव थे। वो किसी कीमत पर उनका पूरा सिस्टम बना हुआ था, हर जगह पर उनके आदमी लगे हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि ये अध्यादेश आए, वो नहीं चाहते थे कि इस पर कार्रवाई हो, वो चाहते थे कि ये काम चलता रहे और ये धोखा होता रहे, बच्चों के साथ लगातार उनकी उनके जीवन से खिलवाड़ होता रहे। लेकिन हमने इसको रोका है और रोकने के परिणाम आप सबके सामने हैं। तो ऐसे अनेकों काम, ऐसे अनेकों निर्णय जो कठिन थे, और मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आज ज्यादा नहीं बोलना है क्योंकि बहुत हो गया। आज तो रक्षाबंधन का त्यौहार है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे कि हमने विकल्प रहित जो संकल्प लिया है कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसमें हमारी बहनों की बहुत बड़ा योगदान है और आप सब लोग उसके लिए हम लखपति दीदी योजना भी लाए हैं। आपने देखा होगा अभी 1,25,000 बहनों को लखपति बनाने का भी हमने संकल्प लिया है, उसमें भी आपकी बड़ी भूमिका है। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए आप सब लोग जैसे पहले से अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन, अपना सहयोग लगातार प्रदान करते रहे हैं, आगे भी भविष्य में आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी शुभकामनाएं इसी तरह प्राप्त होती रहेगी। और आप सबको देखकर निश्चित रूप से मैं बहुत ज्यादा अपने को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करता हूँ जब भी आप सब लोगों को देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सब निश्चल हैं और आपकी ये निश्चलता कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और काम करने के लिए एक उमंग आप सबसे मिलती है। मैं जानता हूं कि आप सबका जो प्रेम है, आप सबका स्नेह है, वो निश्चल है, वो हमेशा हमको पथ पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। आगे भी आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा। पुनः एक बार मैं अपनी सभी बहनों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बधाई देता हूं और आप सबके यहां पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।